लोकसभा में बीजेपी सांसद ने जय हिंदू राष्ट्र जय भारत का दिया नारा, विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। जय भीम जय फिलिस्तीन, असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद लगाया नारा, जमकर हुआ हंगामा। शपथ ग्रहण में दिखा सबका अलग अलग रूप, हर किसी ने अलग अलग भाषाओं में ली शपथ। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी ने ली शपथ, लगाया जय हिंद जय संविधान का नारा। अखिलेश यादव ने संविधान हाथ में लेकर ली शपथ, आज दूसरे दिन भी हुआ जमकर हंगामा। लोकसभा के साथ सांसदों ने नहीं ली शपथ, कल स्पीकर चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान। लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं, कल चुनाव होगा। बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा, कल आ सकता है फैसला। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, कल लोकसभा में मौजूद रहने को कहा। स्पीकर के चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, इंडिया की खड़गे के घर होगी बैठक। चपरासी से बन गया पेपर लीक का मुखिया, नीट पेपर लीक का किंग पिन संजीव मुखिया लापता, 6 मई से नया आया इंस्टीट्यूट। नीट पेपर लीक से 700 करोड़ कमाने की तैयारी में था संजीव मुखिया, स्टिंग ऑपरेशन में खुले हैरान करने वाला राज। यूपी में पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा कदम, आजीवन कारावास 1 करोड़ तक का जुर्माना। अयोध्या में बनेगा मंदिर का म्यूजियम, 650 करोड़ होंगे खर्च, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। कांग्रेस ने आज भी वही मानसिकता रखी, संविधान के प्रति प्रेम दिखाने का अधिकार नहीं, आपातकाल का जिक्र कर पीएम मोदी ने हमला बोला। देश में लोकतंत्र की हत्या करना कांग्रेस का इतिहास रहा, अमित शाह ने बोला। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत पर लगी रोक रहेगी जारी। पुणे पॉश हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। जल्द ही रिलीज होगी कंगना की फिल्म इमरजेंसी, कंगना ने बोला कांग्रेस की काली करतूतें 6 सितंबर को खुलेंगी। अजीत पवार को लग सकता है बड़ा झटका, शरद पवार गुट का दावा, 18 विधायक घर वापसी को है तैयार। मुंबई में घट रही है मराठियों की आबादी, उनके लिए रिजर्व हो 50% घर, उद्धव गुट के नेता ने उठाई मांग। मुंबई से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी वंदे भारत की स्लीपर ट्रेनें, यात्री को मिलेगी अधिक सुविधा। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 युवकों की हुई मौत, आरोपी चालक फरार। मुंबई में सोने के दामों में गिरावट, सोना 66,250 रुपए तोला, तो चांदी 91,000 रुपए किलो। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में छपरा के 3 लोगों की मौत, चालक को आई झपकी ने ली जान। कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने छेड़छाड़ के विरोध में किया हंगामा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार।